चलो। अरे दे दे कोई डोका, बालक भूखे बैठे। तू भी लात मार ले, और न तो मार ही रखी सबने। या भी खाली ले ले ले, कूर कूर कूर। क्या है सेठ जी? कई दिन तक भूखा हूँ। तो यहाँ भंडारा चल रहा है के? सेठ जी पुन मिलेगा पुन। अच्छा तो मुझे पाप दे जा, जितना देना है, लेकिन ब्रेड का एक टुकड़ा ना मिले, भिखारी कहीं का। सेठ जी जिसने कहीं बना वो मैं खेत में पैदा करा, तू मैं देख दे नहीं सकता इसमें। अच्छा तूने वो अनाज खेरात में बांट दिया था के? उसके पैसे ना लिए थे? मैं अपने अन्न के पीछे लिए थे, पर मैं और के बारे में भी सोचा था। तारा भी परत बना मेरे पापी पेट के बारे में सोचने का। अरे यहाँ जो भी आता प्रवचन देने चला आता है, ज्ञानी है यहाँ सब, ज्ञान देने आ जाते हैं, ज्ञान लेने नहीं आते। निकल ले यहाँ से, खोपड़ी खराब मत कर मेरी। काला जाएगा कहाँ तेरा उजली चाँद, काला मन तेरा उजली चाँद, देता दुनिया भर को ज्ञान, देता दुनिया भर को ज्ञान। ओ धरती की संतान कहे कोई, कैसे तुझे इंसान। सेठ जी। हाँ बोल, क्या चाहिए? सेठ जी कई दिनों से भूखी हूँ, खाने को एक दाना नहीं मिला, कुछ मदद कर दो। अच्छा तो मैंने तुम जैसों का ठेका ले रखा है क्या? जो देखता है चला आता है, एक सेकंड छूटा नहीं, दूसरी हाजिर, चल निकल। सेठ जी मैं मर जाऊंगी। अजीब बात है, तू अपने आप को जिंदा समझ रही, मांग मांग कर तो टुकड़े खाती है, इससे तो बढ़िया मर जा जाके जा। सेठ जी ऐसे मत बोलो सेठ जी, सेठ जी जीवन इतना सस्ता नहीं है, इतने कड़वे बोल नहीं बोला करते सेठ जी। अच्छा प्रवचन भी दे लेती है, चल भाग, चोर नहीं कहीं की। भगवान आपका भला करे, मेरी जैसी हालत आपकी कभी ना करे। Thank you.
बाबूजी। बाबूजी पेट में इनका दाना नहीं, तन पे ढंग का कपड़ा नहीं, कुछ मदद कर दो। मैं कोई अनाथ खोला क्या गया? बाबूजी कई दिनों से भूखी हूँ, खाली पेट पानी पीती हूँ, वो भी गोली की तरह लगता है। मुफ्त में तो मैं दरिया कुछ है नहीं, भीतर आ जा। बात क्यों था अपना लिगड़ आओगी तो कपड़ा लता सब मिलेगा और नहीं तो लिगड़। हर जमाने मान गए तुझे, कितना बड़ा खिलाड़ी है, अपनी असमत आप लूटता, कितना बड़ा नाड़ी है। बाहर जमाने मान गए तुझे, कितना बड़ा खिलाड़ी है, अपनी असमत आप लूटता, कितना बड़ा नाड़ी है। ये कर तू ते करती देश को दुनिया में बदनाम, ओ धरती की संतान कहे कोई कैसे तुझे इंसान, ओ धरती की संतान कहे कोई कैसे तुझे इंसान, इंसान इंसान। अरे पापी भांजा मत तड़पा, इतना मर जा मजी भी जा के मत न दर्द दे इतना भांजा, एक टूक के मेरी का तू ही न बाप बढ़ गया। मान जा ही मत तड़पा वे या भूख मार देगी मजा। तू भी घना ही बड़ा हो गया, गरीब के तो सुनने की टाली कर दी तेरी रोड बोली क्या तू मजे पैदा कर ऊपर बैठा ना देख नहीं रहा था सब कुछ तड़ा के देख मेरे कैसी जिंदगी जी के देख पता पता चल जाएगा तुझे मेरी भूख तो मेरा खून पी रही है, लालू की भूख भी मेरा ही खून पी रही। अम्मा तेरे दौरे भी पूछू मैं तेरे तया बात जीवित ना तोड़ा था तेरे दौरे क्यों जन्म दिया था तेरे अम्मा तेरे दौरे भी अब हार गया इस दुनिया से, ये किसान का बोझ ढोते ढोते, ये किसान का बोझ ढोते को समझना छोड़ दे प्यारे, जिंदगी जी ले तू जब तक जवां है। कैसी बला है औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है, कैसी बला है औरत हूँ औरत ये सबने कहा है। हाँ भाई कहाँ बैठा जा रहा है, हमने देखे कई दिन तक भूख का, मेरे बालक भी भूखे हैं, मिलन दे सेठ जी था, मैं सेठ दो से नाज की बात कर लूंगा। अरे मित्र कहाँ बैठ रहा भाई, फिर मैं खराब बैठ रही हूँ।
अरे भाई कोई मार चुकी जान बच जाएगी मेरे बालक भूखे, मैं भी गई थी तो भूखा हूँ। अरे तेरे तो बालक की जान बच जाएगी, मारे मर जाएंगे भूखे, लाला काट देंगे मैं तो। सारे नशे मेरे सामने हल्के, बड़े बड़े दिल मेरे सामने छलके, ज्ञानी हो चाहे कोई सूरमा हो, ज्ञानी हो चाहे कोई सूरमा हो, किसने कदम मेरे चूमे नहीं है। ऐसी बला है के ना, ये क्या बला है, ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है। अरे भाई एक बार शेठ तो बात कर देखे, पता तेरे भी बालक बच जाए, मारे भी बचे रह जाएंगे भाई। भाई तू गलत जगह माथा टेकना, कहीं और जगह माथा टेक ले। अरे भाई मैं मजबूर हूँ, मुझे तो सही जगह माथा टेकना पड़ेगा। एक बार भगवान के दरवाजे में माथा टेक के देख ले। अरे भाई मैं देख लिया टेक के, वो भी नहीं मिल रहा, वो भूल गया मैं उसकी संतान। एक बार चला जान दे भाई, मुझे तेरा बहुत बड़ा जान होगा भाई, मेरी जान बच जाएगी, जान दे भाई एक बार। वाले बता तो घर में गलत हूँ, वो तो सही कहाँ है, ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है, ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है। एक बार जान तो के पता में मान ले मेरी बात, जान दे भाई। मेरे बिना तू जी के दिखा दे, कदम दो कदम भी चल के दिखा दे, मेरे बिना तू जी के दिखा दे, कदम दो कदम भी चल के दिखा दे, मिटेगा जहां से बच ना सके, सके ना ये क्या बला है, ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है। कौन है, कौन है वहां? सेठ जी, सेठ जी। बाबूजी शेर ना दे दूंगा मैं तुम्हें, पांच शेर दे दूंगा। कैसे आया यहाँ ए दरबार विशंबर, कैसे घुसा ये? बाबूजी इनकी गलती नहीं, मेरी मजबूरी है सारी। भाग यहाँ से भिखारी कहीं का। अरे राम, हमारा अनाज लेके भाग रहा था ये, हमने खामखा लगा रखी इतनी सारी बोरी अनाज की। करोड़ी मल, ये अनाज की बोरियां नहीं है, ये सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। सुना है बाहर लोग भूख से मर रहे हैं। कोई नहीं मर रहा, ये सरकार हमारा सारा भंडार लूटने के लिए षड्यंत्र रचा रही है। जो मरता है मरने दो, और जितनी भुखमरी फैलेगी हमारा उतना ही फायदा होगा, हमारा सोना उतना ही महंगा बिकेगा। लाला जी, इस सोने को पैदा करने वाला किसान मौत की दहलीज पर जिंदगी के लिए छटपटा रहा है, भूखा नंगा। सोने से पेट नहीं भरता सेठ जी, अन्न से पेट भरता है। ये सोना नहीं है, अन्न है।
अन्न को अन्न ही रहने दो। आदमी उसे खाता है तो उसकी जिंदगी चलती है। रहने दो इसे, सोना मत बनाओ, अन्न रहने दो। लाला जी आप बहुत सोचते हो, इसलिए आप घाटा उठाते हो। लाला जी जब हमसे मिले हो ना तो हमारे हिसाब से चलो, एक दो साल में माला माल हो जाओगे। हाँ। इंसान को इंसान ना समझे, अहंकार में फूला है। आदमी लगे जानवर तुझको, इंसानियत को भूला है। इंसान को इंसान ना समझे, अहंकार में फूला है। आदमी लगे जानवर तुझको, इंसानियत को भूला है। सारी दुनिया कहती किसान है, धरती पर भगवान। ओ धरती की संतान कहे कोई, कैसे तुझे इंसान। ओ धरती की संतान कहे कोई, कैसे तुझे इंसान। इंसान इंसान, ओ पत्थर के इंसान। सेठ जी। हाँ लाला जी। ये अच्छा नहीं हुआ। क्या अच्छा नहीं हुआ? धरती का अन्नदाता दिन रात भूखा रहकर, प्यासा रहकर, खून पसीना बहाकर अन्न पैदा करता है, हम सब का पेट भरता है, और वो मुट्ठी भर अनाज के लिए मारा जाए। किसानों के इस देश में इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। ये कैसी भैकी भैकी बात कर रहे हो लाला जी, पहले आप चाय पियो। ये चाय है, दारू थोड़ी है। काहे का नशा चढ़ गया है आपको? हमें नशे के लिए दारू की कहाँ जरूरत है सेठ जी, हम तो पहले ही नशे में हैं और देश मुसीबत में। मैं इस नशे से बाहर आना चाहता हूँ। इस नशे की वजह से मेरे देश की यह हालत हुई है। मुझे मेरे हिस्से का अनाज चाहिए। मतलब क्या करोगे अनाज का? गरीबों में बांटूंगा, उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, हमें कहाँ है। दिमाग ठीक है लाला जी, या ज्यादा नशा चढ़ा हुआ है? चढ़ा हुआ नशा ही तो उतरा है सेठ जी, हमारे गोदाम देश नहीं है, बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ हमारा धन भी देश नहीं है। देश है मेरे देश की जनता, दम तोड़ता किसान, गरीब मजदूर। मुझे मेरे हिस्से का अनाज चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। नहीं कुछ नहीं, मन ठीक नहीं है बस। मन को क्या हुआ है? लो कुछ खाओ। कहा ना मन ठीक नहीं है बस। मेरे देश का बचपन भूखा है। कितनी माँ बेटियों को अपना तन ढकने के लिए अपना तन बेचना पड़ रहा है। पेट पालने के चक्कर में भूख से मरती हुई माँ बहनों के पेट में न जाने कितने नाजायज बच्चे पलने लगे। मेरे देश के एक किसान को मेरे सामने एक मुट्ठी अनाज के लिए जान देनी पड़ गई। ऐसे में भला ये फल मुझे पचेंगे? ये तो दुनिया है, दुनिया में सुख दुख तो आते रहते हैं, हम किस किस के दुख दूर करेंगे, और ये तो भगवान की लीला है। तो क्या भगवान की इसी लीला में हमारा कोई रोल नहीं? तो फिर क्या चाहते हैं आप? जितनों की मिटा सकूं उतने भूखों की भूख मिटाना। फिर सोचना क्या है, चलिए इस शुभ काम में मैं भी आपके साथ हूं।
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। भक्ति बढ़ाओ। तूने मुझे इस दुनिया में खाली हाथ भेजा, लेकिन तूने मुझे इस दुनिया में खाली रहने नहीं दिया। लेकिन मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तूने मुझे बहुत दिया, लेकिन मैं इस बात के लिए तेरा बहुत आभारी हूँ कि तूने मेरी समय से आँख खोल दी। मुझे इन गरीबों में तू नजर आने लगा है, और जो भी तूने मुझे दिया है मैं सब कुछ तुझी को अर्पित करता हूं। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझे पूर्ण। ओम जय जगदीश हरे। चारों तरफ भूख और बेबसी पसरी पड़ी है। भैया इंसान को भूख से मरते हुए ना भाई, पहली बार देख रहा हूँ। गरीब लोगों के पास खाने को एक दाना नहीं, सेठ लोग अनाज के भंडार लगाओ बैठे, खुद इतना खा नहीं सकते, दूसरे को खाने को दे नहीं रहे। भाई सरकार के कानों में चू तक नहीं देते, लगता है कान में तेल डाल के सो गया। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री हमारे अच्छे हैं, हर बात पर उनकी निगाह रहती है, इस बारे में भी जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। ये कैसा समय आ गया है साथियों? यह समय का कुचक्र है सर, समस्याएं जब भी आती हैं बटालियंस में ही आती हैं। इन बटालियंस में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए? धैर्य और नीति से। धैर्य और नीति, भूख आखिर कितना धैर्य रख सकती है? विपत्ति के इस समय में क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की ही है? क्या लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? लोगों ने अपने घरों में गमले लगाए हुए हैं, गमलों में फूल उगाए हुए हैं, यदि मन प्रसन्न ना हो तो क्या फूलों की गंध भी कोई खुशी दे सकती है? वे गमलों में फल और सब्जी भी तो उगा सकते हैं। यह बिल्कुल संभव है सर, इसके लिए जनता का आह्वान करना पड़ेगा। तो आह्वान कीजिए, ऐसा बुरा समय संभवतः देश पर पहले कभी नहीं आया होगा जब माँ बहनों को इस तरह अपना तन बेचना पड़ा हो, क्यों मंत्री जी? जी सर। सर जिस देश का बचपन भूख से बिलख रहा हो, उस देश की जवानी कैसी होगी? सर वास्तव में सवाल यह है कि भूख से बिलखता हुआ बचपन कभी जवान होगा भी? साथियों क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम में से हर कोई सप्ताह में एक दिन व्रत रख ले? रख सकता है सर, हर संप्रदाय और क्षेत्र में लोगों को सलाह दी जाती है कि सामान्य समय में भूखा रहकर विपत्ति काल के लिए भोजन इकट्ठा किया जाए। कुछ लोग नियम अनुसार ऐसा करते भी है। साथियों ये नियम हम जैसे देशों के लिए कितने कारगर हैं? बहुत कारगर हैं सर, हो सकता है ये नियम ऐसी परिस्थितियों में ही बने हों। तो फिर लोगों का ये भी आह्वान करो कि वो व्रत रखें, पूजा स्थलों पर भोजन का दान दें, जिससे असहाय मजबूर गरीब और भूख से बिलखते हुए मेरे देश के लोगों के पेट में कुछ अन्न का दाना पहुंच सके। इसके अलावा जिसको जहां भी भूखा आदमी दिखाई पड़े उसको भोजन दें, कोई नंगा दिखाई पड़े तो उसको कपड़े दें, इससे पुण्य मिलेगा और कहो कि इससे देवता भी खुश होंगे। सर इससे अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं मिलेगा?
अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है तो मिलने दो। जो अंधविश्वास भूखे को भोजन देता हो, वस्त्रहीन को कपड़ा देता हो, बेरोजगार को रोजगार देता हो, लोगों में एकता लाता हो, तो ऐसा अंधविश्वास सच से कहीं अच्छा है। जी सर। साथियों, ये बात मेरी समझ से परे है कि जब मेरे देश का किसान अपने पसीने से धरती को सींचकर अन्न पैदा कर रहा है तो ये अन्न उसे खाने को मिल क्यों नहीं रहा है? सर, इसमें ज़्यादा खोजबीन की आवश्यकता नहीं है। हमारे बीच के ही कुछ लोग अन्न के ऊपर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। क्या भूख से बिलखते इन बच्चों की चीख इनके कानों तक नहीं पहुंचती? सर, इन लोगों ने अपने कानों को धन और लालच और गुलामी की मानसिकता की डांट से बंद कर रखा है। इन लोगों को भारत के भूत, भविष्य और वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को अपना परिवार देश से बड़ा और अपना धन देश की अस्मिता से ज्यादा प्रिय है। तो फिर ऐसे लोगों का इलाज क्या है? दंड। दंड के लिए तो हमने न्यायालय खोल रखे हैं, हम क्या कर सकते हैं? मेरी समझ में एक उपाय है, संभवतः आपको उचित लगे। हाँ, बताइए। अरे भाई, पढ़े आपने? क्या? प्रधानमंत्री जी विदेशों से भारी मात्रा में अनाज मंगा रहे हैं। अब हर आदमी को मुफ्त में राशन मिलेगा, मुफ्त अनाज मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ तो सुना था पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, सच में देखो, अब तो हर घर में मुफ्त में अनाज पहुँचेगा। ये लिखा आ रहा है अखबार में, हर घर में मुफ्त में अनाज पहुँचेगा। और चीजें भी है, तेल, नमक, मिर्च, ये रहा। ओ यार, जो अनाज के गोदाम पे कब्जा करके बैठे थे ना, उनके दिमाग ठिकाने में आ जाइए। हाँ, बिल्कुल लाला जी, लगा दिया अनाज ठिकाने। हाँ, भेज दिया उसके सही ठिकाने पे, उसकी वहीं ज्यादा जरूरत थी। दिमाग ठिकाने रखो सेठ जी, बर्बाद हो जाएंगे। कौन? कौन क्या, आप लोग बर्बाद हो गए भाई। आप ही तो देश के बारे में नहीं सोच रहे, अपना घर भरने में लगे हो। लाला जी, पैसे पेड़ पे थोड़ी लगते हैं, जो खून पसीना मेहनत की कमाई को हम मुफ्त में बांट दे। यह बहस का कोई फायदा नहीं है, अब ये सोचो क्या किया जाए। इसमें सोचना क्या है, अभी भी समय है। मेरी मानो, जिस भाव भी बिकता हो इस अनाज को निकाल दो, नहीं तो ये सड़ जाएगा, इसको कीड़े खाएंगे, यहाँ बर्बाद हो जाओगे। लाला जी सही कह रहे हैं, इससे पहले कि कीड़े अनाज को खाए, इसे बेच के जो बनता है उसे बना लो। भाई, कल से ही बिक्री चालू कर दो। ठीक है। मंत्री जी, आपकी तरकीब काम कर गई। जी। ले लो, वहाँ नहीं जाना किसी को। चलो, बाकी सब बाहर रहो। कैमरे में आ रहे हो। आ जा, एक लड़का से हो रहा होगा, पीछे भी देख रहे जा। ये तो ऐसे बात है, राजेंद्र के बनाने चाहिए। एक आध बारह सौ दो हमारे, एक तो ये हो जाएगी मुंडी से करके आग में। इसके तो पकार तो जर से हाँ। ये देखो, सारे लोग यहाँ भट्टे पे आए हैं। यहाँ मसाले का गुड़ मिलता है। ये देखिए, फ्री का जूस पीने आए हैं यहाँ पे, हराम का माल। क्या 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 मैं गरिया कह रहे हैं। ये देखिए, और सुनो, बताओ जूस पिला कौन रहा है?
अच्छा ये जूस पिला रहा ठेकेदार नरोत्तम दास। नरोत्तम दास खामपुर वाले जहाँ अखाड़ा हुआ था पहले। हम यहाँ खड़े हैं भट्टे पे, नहीं भट्टे पे नहीं कोल्लू पे। चलो यहाँ ना हो पाने का, चलो किसी कीमत में नहीं होगा।